गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रानी एंड आज मैं करने जा रही हूँ न्यूज़पेपर, कार्डबोर्ड एंड पीओपी को यूज़ करके टोटल 3 क्राफ्ट बनाने। मैं बनाऊंगी 2 पीओपी के एंड 1 न्यूज़पेपर का क्राफ्ट। तो जल्दी से बनाते हैं एंड ये सारे जो होने वाले सारे वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके होंगे। तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए, क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों को यूज़ करके क्राफ्ट बनाऊँगी। तो आपको भी अगर अपने घर को डेकोरेट करना है, छोटी सुंदर सुंदर क्राफ्ट बनाना है बिना किसी खर्च के, बिना कॉस्ट लगाए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे साथ जुड़ जाइए। तो बिना किसी का टाइम वेस्ट किए, मीन्स मेरा एंड आपका, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं यहाँ पे ले रही हूँ कार्डबोर्ड जो सर्कल शेप में कट की हूँ। मैं बहुत सारे कट की हूँ, लाइक छोटे बड़े मीडियम साइज़ के, सारे टेप के। उसके बाद मास्किंग टेप की हेल्प से मैं सारे साइड्स को कवर कर रही हूँ। कवर करने के बाद ये पूरा क्लीन लुक हो जाएगा। उसके बाद इस पर डालूंगी मैं पीओपी का मिक्सचर। तो पीओपी का मिक्सचर बनाने के लिए हम लोग लेंगे एक बाउल, उसमें डालेंगे पीओपी, फेविकॉल एंड थोड़े से पानी। सबको मिला करके एक पेस्ट बना लेंगे जो पोरिंग कंसिस्टेंसी का होगा। इसको सबसे पहले हम लोग डालेंगे कार्डबोर्ड पर, उसके बाद उसको अच्छे से फैला देंगे और इसको थोड़ी देर, आई थिंक 5 मिनट रेस्ट करने देंगे। एंड उसके बाद किसी भी स्टिक की हेल्प से सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। थोड़ी सी नीट करने के लिए मैं ब्रश से यूज़ कर रही हूँ, आप भी कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे ठीक है। उसके बाद हम लोग बनाएंगे पेपर रोल। पेपर स्टिक बनाने के बाद कुछ स्टिक्स मैं पतले बना रही हूँ, कुछ स्टिक मैं मोटे बना रही हूँ। तो सारे स्टिक्स कंप्लीट करने के बाद रेड कलर करेंगे हम लोग पीओपी वाले क्राफ्ट को एंड ब्लैक कलर करेंगे हम लोग स्टिक्स को। सारे स्टिक्स को मैं अरेंज कर दी हूँ फर्स्ट पे, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्राफ्ट था, बहुत जगह ले रहा था तो टेबल पर नहीं हो पाया, तो मैं फर्स्ट पे कर दी। एंड उसके बाद उसके ऊपर से रेड वाले जितने भी मैं बनाई थी पीओपी का वो क्राफ्ट डाल रही थी। उसके बाद सबको स्टिक कर दी फेविकॉल एंड डुअल साइड सेलो टेप की हेल्प से। एंड इसके बाद उसको वॉल पे पेस्ट की हूँ डुअल साइड सेलो टेप की हेल्प से। तो आप भी ऐसे स्टिक कर सकते हो, ये बहुत सुंदर दिख रहा है, आप देख सकते हो। सो फर्स्ट क्राफ्ट तो मेरा कंप्लीट हो गया एंड सेकंड मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो सेकंड वाले को क्या की हूँ कि जितना भी फर्स्ट वाला पीओपी का मिक्स जो मैं बनाई थी बनाने के लिए वॉल डेकोर, वो बच गए थे थोड़े से। तो मैंने क्या किया, एक सर्कल सा कार्डबोर्ड लिया एंड उसके ऊपर जितने भी बचे हुए पीओपी थे उन सबको मैंने डाल दिए और उसको फैला करके मैं लाइंस बना दिए। अब देखो मैं कैसे बनाती हूँ जल्दी से। तो ये रहा पीओपी का मिक्सचर, इसको मैं फैला ली हूँ पूरे पर और उसके बाद रैंडम्स लाइंस बना रही हूँ। कुछ भी ऐसा कोई पैटर्न मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ, जैसे मेरे को मन कर रहा है जस्ट गो विद द फ्लो। आप भी कर सकते हो, ये बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत मज़ा आ रहा था करने में। तो फटाफट मैं लाइंस बनाऊंगी पूरे ऑल ओवर द कार्डबोर्ड। उसके बाद कंप्लीट करने के बाद इसको मैं सूखने के लिए दे दूंगी ओवरनाइट या फिर 24 आवर्स। आप इसको सूखने ही दो, क्योंकि सूखेगा तो अच्छे से बनेगा। उसके बाद सूखने के लिए दूंगी, सूख जाएगा। उसके बाद मैं इस पर क्ले से फ्लावर्स बना रही हूँ। मेरे पास क्ले थे तो मेरे पास छोटे थोड़े थोड़े करके बहुत सारे क्ले थे, तो मैं सबको एक बार मिक्स कर ली एंड एक कलर लेकर आ गई। तो वो पर्पल कलर बहुत ही अच्छा दिख रहा था। तो मैं क्या की, सबसे पहले स्टिक्स बना रही हूँ पतले 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 स्टिक्स बनाने के बाद उसको चिपकाऊंगी। मैं यहाँ पे 2 साइड चिपका रही हूँ, मीन्स 2 लाइन बना रही हूँ। फर्स्ट लाइन फुल फ्लावर बनाऊंगी, सेकेंड लाइन को हाफ फ्लावर बनाऊंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे बेलन से बेल ले रही हूँ क्ले को, उसके बाद बना रही हूँ पेटल्स का शेप दे रही हूँ। उसके बाद कट करूँगी स्पैचुला के हेल्प से, उसके बाद आपको दिखा रही हूँ कैसे लगेगा ये। तो ऐसे ही हम लोग बहुत सारे पेटल्स बना लेंगे, उसके बाद एक सर्कल देंगे उसके सराउंडिंग में, मीन्स गोल से चिपका लूँगी अच्छे से सारे पेटल्स को। उसके बाद सेकंड वाले को हाफ पेटल बताई थी मैं, हाफ़ फ्लावर बनाने वाली हूँ तो हाफ चिपका लूँगी और हाफ ऊपर में ऐसे ही रहेगा, दोनों बहुत अच्छा दिखेगा। आप कंप्लीट करना उसके बाद देखना। उसके बाद मैं बनाऊँगी लीव्स। लीव्स बनाने के लिए सेम स्टाइल मैं पेटल्स को कट करूँगी, मीन्स क्ले को कट करूँगी पेटल्स के शेप में एंड उसके बाद उसको थोड़ा सा मुड़ा हुआ एंड थोड़ा शेप दे करके, ताकि वो सीधा सीधा लीव ना लगे, थोड़ा कर्व एंड थोड़ा सा लुक देने के लिए रियलिस्टिक मैं कर्व लुक दे रही हूँ। एंड सपोर्ट के लिए नीचे से मैं क्ले भी डाली हूँ, तो आप भी कर सकते हो। तो ऐसे ही मैं सारे लीव्स को कम्प्लीट करूँगी। कम्प्लीट करने के बाद ये
बीच में मैं फीलिंग के लिए, क्योंकि वो गैप बच रहा था, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्लावर्स के साइड साइड में लाइंस बना रही हूँ, थोड़ा से और टहनी डाल रही हूँ, तो वो और अच्छा लुक देगा। सारे लीव्स कंप्लीट करने के बाद मैं सर्कल के आउटर लेयर में क्ले से बाउंड्री बनाऊंगी, तो वो ना एक फ्रेम टाइप का लुक देगा। ऐसे ओपन में उतना अच्छा नहीं लगेगा, वो फ्रेम टाइप का ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो उसको मैं कंप्लीट करूंगी, पहले सारे साइड्स में डालने के बाद मैं स्पैचुला के हेल्प से लाइंस बनाऊंगी फ्रेम की तरह, तो वो बहुत अच्छा लुक देगा। आप देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग ब्लैक कलर लेंगे एंड बैकग्राउंड में कलर करेंगे। बैकग्राउंड में मैं सोची थी सिर्फ करने को, बट मेरे को लगा कि ये पूरा ब्लैक करने में सच में बहुत अच्छा लगेगा एंड अच्छा लग भी रहा था। उसके बाद मैं क्या की, गोल्डन कलर ली एंड जितने भी आउटर लेयर थे उसको सिर्फ कलर करेंगे, पूरे को कलर नहीं करेंगे गोल्डन से, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। आउटर लेयर कंप्लीट करने के बाद मैं सर्कल वाले शेप में भी करूँगी, लीव्स में भी करूँगी एंड बैकग्राउंड में जो मैं शेप दी थी ना लाइंस ड्रॉ करके, तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा करूंगी। तो यहाँ पे मेरा क्राफ्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसको मास्किंग टेप की हेल्प से या फिर डुअल साइड सेलो टेप की हेल्प से चिपका सकते हो वॉल पे, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। सो आई होप आपको सेकंड वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहो तो उसको ऐसे भी रख सकते हो, अगर आप चाहो तो कलर भी कर सकते हो। तो चलते हैं यहाँ पे हमारे थर्ड वीडियो की तरफ। थर्ड वीडियो है बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही ईजी, कोई भी बना सकता है, लाइक एक बच्चा भी बना सकता है। जिसको क्राफ्ट या फिर क्राफ्ट पेंटिंग ड्राइंग कुछ नहीं आता है, आई थिंक वो भी बना सकता है। इतना ईजी से 5 मिनट से बन जाएगा, 5 to 10 मिनट। वॉल पे तो मैं बहुत सारे डेकोरेशन के आइटम लगा चुकी हूँ, कुछ डोर के लिए भी बनाया जाए, तो चलिए डोर के लिए बनाते हैं। थर्ड DIY, थर्ड वाला न्यूज़पेपर को यूज़ करके बनाऊंगी मैं। और कुछ नहीं करना है, न्यूज़पेपर का आपको रोल्स बनाना है, रोल्स बनाने के बाद उसको सेप देनी है। कौन सी, चलो वीडियो में देखते हैं। पेपर स्टिक बनाने के बाद हम लोग 3 स्टिक लेंगे एंड उसको ट्रायंगल का शेप देंगे। एक बड़ा ट्रायंगल बनाएंगे और एक उसी का पैरेलल में छोटा ट्रायंगल बनाएंगे। दोनों ट्रायंगल बनाने के बाद ऐसे ही हम लोग बहुत सारे ट्रायंगल बना लेंगे, मीन्स टोटल 5 बड़े ट्रायंगल एंड 5 छोटे ट्रायंगल। बनाने के बाद हम लोग एक दूसरे पे चिपकाते जाएंगे, बड़ा ट्रायंगल चिपकाएंगे, उसके बीच में छोटा ट्रायंगल, फिर सेकेंड उल्टा साइड से करेंगे, फिर थर्ड कॉर्नर साइड से निकाल कर करेंगे बड़ा ट्रायंगल, फिर छोटा ट्रायंगल, फिर लास्ट में एक और, जिस साइड से आपको लगाने का मन है आप वैसे लगा सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही करने के लिए। उसके बाद हम लोग गोल्डन कलर से पेंट कर देंगे एंड ये हो गया। बस कितना ईजी था ना, हो गया तुरंत ही। तो आप भी बना सकते हो, बहुत इजी है और बहुत ही सिंपल है एंड सुंदर भी लग रहा है। तो ये मेरे परफेक्ट जा रहा है डोर के साथ। तो ये थी आज की मेरी 3 वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। आप अपने घर पर ट्राई भी करोगे, अगर आपको लगे यूजफुल वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो और आपको लगा हो कि हाँ मेरी बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो या दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में और न्यू क्राफ्ट्स के साथ, और ऑफकोर्स मेरे साथ भी मैं भी रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।